जय हिंद ऑल यू। आई होप कभी ना कभी आप बैंक तो गए ही होंगे, चाहे वो अपने पेरेंट्स का अकाउंट मेंटेन करने के लिए या आप खुद के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंक गए होंगे, पैसे जमा करने के लिए, निकालने के लिए। और जनरली वहाँ पर एक अकाउंट तो आपने डील किया ही होगा, वो है सेविंग अकाउंट, यानी कि बचत खाता। लेकिन बैंक में सिर्फ यही एक खाता नहीं है, और भी कई सारे खाते खोले जाते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पाए जाते हैं बैंक में। तो ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आज उन्हीं सारे अकाउंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। देखिए, बेसिकली तीन तरह के अकाउंट होते हैं बैंक में। सबसे पहले की बात करूँ मैं तो यहाँ पर है डिमांड डिपॉजिट, फिर होता है टर्म डिपॉजिट, और फिर होता है नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। ठीक है, ये तीन तरह के अकाउंट होते हैं जो बैंक में ओपन किए जाते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत भी और बहुत सारे अकाउंट आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट के बारे में। ये डिमांड डिपॉजिट कौन सा अकाउंट है तो वो समझिए। जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है कि इससे हम कभी भी अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब कि निकाल सकते हैं, और कभी भी इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा होगा कि डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या किए जाती है यहाँ पर। डिमांड मतलब मांग, मतलब जब भी हम यहाँ पे मांग करेंगे कि आप हमारे पैसे जमा कर लीजिए तो पैसे जमा हो जाएंगे बैंक में, और जब भी हम मांग करेंगे कि हमें पैसे वापस चाहिए तो वो हमें वापस मिल जाएंगे। ऐसे बहुत से मीडियम है जिसका उपयोग करके हम पैसे विड्रॉल कर सकते हैं एंड डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर ब्याज की बात करूँ, यानी कि इंटरेस्ट रेट की बात करूँ, तो ब्याज दर यहाँ पर काफ़ी कम प्राप्त होती है ग्राहक को, यानी कि कस्टमर को काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा। लेकिन यहाँ पर यदि आप बिना एडवांस नोटिस दिए कभी भी पैसे विड्रॉ करते हैं, मतलब कभी भी पैसे निकालते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। अब बात करें यदि हम डिमांड डिपॉजिट के टाइप्स की, तो डिमांड डिपॉजिट्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर है पहला सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं हम सेविंग अकाउंट के बारे में। देखिए, जो सेविंग अकाउंट है वो एक ऐसा कॉमन अकाउंट है जो हर किसी व्यक्ति के पास पाया जाता है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कोई अकाउंट ओपन किए जाते हैं तो वो है सेविंग अकाउंट, यानी कि बचत खाता। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें भी कभी भी पैसे आप जमा कर सकते हैं और कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मीडियम में अलग अलग लिमिट होती हैं। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि जो ब्याज दर आपको प्रदान की जाती है, वो काफ़ी कम होती है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये ब्याज दर निर्धारित कौन करता है। पहले भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो बैंक के द्वारा ब्याज प्रदान किया जाता है उसकी ब्याज दर, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर बैंक के द्वारा ही अपनी ब्याज दर निर्धारित की जाती है, लेकिन इसकी जो लिमिट होती है, अपर एंड लोअर लिमिट, ये RBI के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये देखिए, ये RBI की मेन वेबसाइट है और इसमें आप देख रहे होंगे सेविंग्स डिपॉजिट रेट। यहाँ पर देखिए मिनिमम 2.70% है एंड मैक्सिमम 3.00%, मतलब कि 2.70 से लेकर 3.00% तक यहाँ पर आपको ब्याज दिया जाएगा, जो कि पर एनम होगा, मतलब कि सालाना। अब यहाँ पर जो भी अदर बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कितना इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है। अब देखिए, यहाँ पर ये है SBI की वेबसाइट, अगर आप जाएंगे तो sbi.co.in पर जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ देखिए, जो सेविंग बैंक डिपॉजिट स्लैब्स हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने 1 लाख तक और 1 लाख से ज़्यादा वाले अकाउंट्स पर जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया है वो है 2.75 पर एनम। तो यहाँ पे 2.75% सालाना ब्याज प्रदान किया जा रहा है SBI के द्वारा। ऐसे ही और भी अन्य बैंक हैं जिसके द्वारा अलग अलग ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ब्याज दर इंडिविजुअल बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें
कि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसके द्वारा डिसाइड की जाती है या निर्धारित की जाती है, तो याद रखिएगा ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब आप सभी के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न होगा कि जो बीएसबीडीए अकाउंट हमने सुने हुए हैं, या पीएमजेडीवाई के अंतर्गत हमने अकाउंट सुने हुए हैं, या नो फ्रिल्स अकाउंट के अंतर्गत हमने जो अकाउंट सुने हुए हैं, यानी कि जो अलग अलग तरह के खातों के नाम सुने हुए हैं, वो किस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते के अंतर्गत ही बीएसबीडीए, पीएमजेडीवाई और नो फ्रिल्स अकाउंट आते हैं। अब ये किस तरह के खाते हैं, इसके लिए तो मैं देखिए इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। एक बीएसबीडीए पे भी आपको इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएगा, इसके अलावा पीएमजेडीवाई पर भी एक इंडिविजुअल वीडियो मिलेगा, जहां पर मैं इसके एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा जो कि काफी बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। देखिए बीएसबीडीए का फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और ये जो अकाउंट है ये एक ऐसा अकाउंट या एक ऐसा खाता है जहां पर खाता धारक को अपने अकाउंट में कोई भी पैसा रखने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर कोई मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो खाता धारक होता है वो जीरो बैलेंस पर भी अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। तो बीएसबीडीए कुछ इसी तरह के फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसी के अंतर्गत आता है नो फ्रिल्स अकाउंट। अब जितने भी 2004 से नो फ्रिल्स अकाउंट ओपन हुए थे वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब इसी में शामिल कर दिए गए हैं। ये सीक्वेंस भी मैं आगे आपको वीडियो में, अलग वीडियो में बताऊंगा कि बीएसबीडीए क्यों आया था और पीएमजेडीवाई लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, और इससे पहले नो फ्रिल्स क्यों लाया गया था, ये सभी मैं समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए एक अलग से फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो अच्छे से याद रखिएगा कि आपको एक एक फैक्ट बता देगा कि क्यों यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो सेविंग अकाउंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट है उन्हें क्यों यहाँ पर लाने की ज़रूरत पड़ी थी। इसके बाद हम बात करते हैं पीएमजेडीवाई के बारे में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये 2014 में लाई गई एक स्कीम है जिसका उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे कस्टमर्स को, और इसके अलावा इंश्योरेंस फैसिलिटी भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड की गई थी। ये एक एक फैक्ट मैं कवर करूंगा इंडिविजुअल वीडियो में, जब आएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना और बीएसबीडीए मतलब कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट का इंडिविजुअल वीडियो। तो ये दोनों वीडियो आप अच्छी तरह से देखिएगा जब मैं इसे लेके आऊँगा, क्योंकि इनमें इससे जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसका समावेश किया जाएगा, मतलब कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, और आपके एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं तो बहुत अच्छे से आप इन्हें नोट डाउन भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है करंट अकाउंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं चालू खाता। जी हाँ, देखा होगा आपने कि जो बिजनेसमैन है उन्हें करोड़ों का लेन देन करना होता है, और विद इन अ सेकेंड उन्हें पैसे गेन भी होते हैं, मतलब कि उन्हें जो पैसा है यानी फंड है वो प्राप्त भी होता है, और विद इन अ सेकेंड उन्हें ये फंड कहीं पर ट्रांसफर भी करना पड़ता है, और ना जाने दिन में कितनी बार उन्हें पैसों का लेन देन करना होता है। तो उन्हें एक ऐसे खाते की आवश्यकता होती है जो फ्रिक्वेंटली वर्क कर सके, मतलब कि तात्कालिक रूप से यहाँ पे ऑपरेट कर सके, और उनके लिए कोई भी अमाउंट की लिमिटेशन ना हो। मतलब कि जो बिजनेसमैन होता है उसे छोटे से छोटे अमाउंट मतलब कि 1,000 से 10,000 से लेके 1 लाख या करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करना पड़ता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक अकाउंट यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है उनके द्वारा, वो अकाउंट होता है करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि करंट अकाउंट में यानी कि चालू खाता में बैंक के द्वारा कस्टमर को यानी कि बैंक के द्वारा अपने ग्राहक को कोई भी इंटरेस्ट यानी कि कोई भी ब्याज यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अकाउंट में ब्याज नहीं दिया जाता है बैंक के द्वारा, तो करंट अकाउंट में यानी कि चालू खाते में। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ करंट अकाउंट्स के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी ट्रांजेक्शन से लिए, कितने भी ट्रांजेक्शन्स एक दिन में किए जा सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ बात करते हैं हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में। क्या है ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? देखिए कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब आप
किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करते हैं और आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं पाए जाते हैं, तो आप यदि चेक उसे इशू करते हैं तो आपका चेक बाउंस हो जाता है या आप उस व्यक्ति के पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह यदि हम देखें तो एक बिजनेसमैन को तो लॉस हो सकता है, तो करंट अकाउंट यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यदि कोई बिजनेसमैन किसी व्यक्ति को कोई फंड इशू करता है और उसके अकाउंट में यदि उतने पैसे नहीं हैं तो भी बैंक के द्वारा वो पेमेंट कर दी जाती है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए कि मान के चलिए कि कोई बिजनेसमैन है ए, उसने पेमेंट करनी है दूसरे बिजनेसमैन बी को यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। तो यहाँ पर बैंक के द्वारा पूरी 1.5 लाख पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं बैंक ने उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये जो फैसिलिटी है वो करंट अकाउंट के होल्डर को प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद आते हैं फ्लेक्सिबल एंड हाई लिक्विडिटी ऑप्शंस के बारे में, मतलब कि जितना भी ज़्यादा अमाउंट वो चाहे अपने अकाउंट में अपने खाते में रख सकता है, मतलब कि करोड़ों रुपए यहाँ पर वो अपने अकाउंट में रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लिमिट भी होती है कि इन्हें सेविंग अकाउंट से ज़्यादा अपने जो बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखना होता है करंट अकाउंट वालों को। इसके बाद यदि मैं बात करूं केवाईसी गाइडलाइंस के बारे में, तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर पे भी आपको एक इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएगा। नो योर कस्टमर के अंतर्गत यहाँ पे जो ग्राहक है उसकी पूरी जानकारी बैंक के पास होती है। इस केवाईसी का उपयोग आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी धोखाधड़ी होती थी ग्राहक के द्वारा बैंक के साथ या कोई भी एक असुविधा उत्पन्न करने वाली स्थिति उत्पन्न होती थी उसे दूर किए जाने की जो कोशिश की जाती है वो केवाईसी के द्वारा यानी कि नो योर कस्टमर के द्वारा की जाती है। इसके बाद आते हैं हम टर्म डिपॉजिट पे। टर्म डिपॉजिट यहाँ पे याद रखिएगा, टर्म मतलब क्या होता है, अवधि मतलब। ये जो डिपॉजिट होते हैं वो किसी निश्चित अवधि के लिए जमा किए जाते हैं और इस पर जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, जिसमें कुछ महीनों से लेके कुछ सालों का यहाँ पे फंड डिपॉजिट किया जाता है। और यहाँ पे जो ब्याज दर इन खातों में प्रदान की जाती है यानी कि जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है इन अकाउंट्स पर, वो डिमांड डिपॉजिट्स अकाउंट जो आपने देखे यहाँ पर उनसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ बात करते हैं हम टर्म डिपॉजिट्स के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे दो टाइप पाए जाते हैं, एक फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं सावधि जमा खाता और रिकरिंग डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। अब इन खातों की आवश्यकता क्या हुई वो समझिए। देखिए व्यक्ति अर्निंग तो करता है, मतलब कमाई तो करता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपनी कमाई को बचा नहीं पाता है। अब आप बोलेंगे कि भाई अपनी कमाई को अपनी अर्निंग्स को बचाने के लिए सेविंग अकाउंट तो है, लेकिन उसकी भी एक समस्या है कि उसमें कभी भी आप पैसे को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी समस्या के निराकरण के लिए यहाँ पर दो तरह के खाते खुलवाए गए हैं, एक है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है तो याद रखिएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जहाँ पर आप एक ही बार पैसा जमा कर सकते हैं और एक ही बार निकाल सकते हैं, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जहां पर आप बार बार पैसे जमा कर सकते हैं और एक ही बार पैसे निकाल सकते हैं। अब ये दोनों अकाउंट क्यों आए वो समझिए। जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है वो इस वजह से आया कि मान के चलिए एक किसान है और किसान के पास हर 6 महीने में या हर एक साल में एक ऐसा अमाउंट आता है जो वो अपने भविष्य के लिए बचा के रखना चाहता है, तो वो उस रकम को रख सकता है। और वो किस में रख सकता है तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में यानी कि सावधि जमा खाता में। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो वेतन प्राप्त करता है हर महीने या एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, तो ऐसी एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन जहाँ पर वो पैसे गेन करता है और पैसे बचा के रखना चाहता है। तो इस तरह के व्यक्ति जिस अकाउंट को ओपन कराते हैं वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें यहाँ बार बार पैसे जमा कर सकता है व्यक्ति। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करता हूँ कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर श्याम, वो व्यक्ति मतलब कि श्याम यहाँ पे हर महीने 5,000 रुपये बचाता है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपये और 5,000 रुपये वो बचा के रखना चाहता है और वो नहीं चाहता कि ये पैसे खर्च हों, उसके भविष्य के लिए ये पैसे सेव रहें। तो यहाँ पर वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएगा और हर महीने
5,000 रुपये जमा करेगा, लेकिन यहाँ पर भी उसे एक निश्चित अवधि चुननी पड़ेगी। तो हम इन्हें अच्छी तरह से समझते हैं, अलग अलग तरह से। तो आप समझ चुके होंगे ये दो तरह के प्रकार होते हैं, टर्म डिपॉजिट्स के यानी कि अवधि जमा खातों के। बात करें फिक्स डिपॉजिट के बारे में, तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर व्यक्ति एक ही बार पैसे जमा कर सकता है और एक ही बार पैसे निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट इस पे मिलता है, मतलब कि जो ब्याज इस पे मिलता है, वो जो कस्टमर होता है या जो व्यक्ति होता है जो पैसे यहाँ पर जमा कर रहा है, वो उस इंटरेस्ट को या तो मंथली या तो क्वार्टरली या तो जो कैलेंडर क्वार्टर बेसिस होता है उस पर अपनी इंटरेस्ट को गेन कर सकता है, यानी कि अपनी ब्याज को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यदि वह व्यक्ति मंथली पेमेंट यहाँ पे यानी कि मंथली इंटरेस्ट चूज करता है, तो उसे जो पेमेंट की जाएगी वो डिस्काउंटेड रेट पर की जाएगी। इसके बाद और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो समझिए कि जो टेन्योर है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फिक्स डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा खातों का टेन्योर क्या होता है, तो मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स जहाँ पर ये पूछे जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इसका ड्यूरेशन है या टेन्योर है वो है मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स। इसके अलावा जो मिनिमम डिपॉजिट है वो है 1,000। जी हाँ, जो आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमा खातों के अंतर्गत मिनिमम डिपॉजिट चुनेंगे वो कितना चुन सकते हैं, यहाँ पर 1,000। इसके अलावा मैक्सिमम डिपॉजिट के लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब आप जितना पैसा चाहें सावधि जमा खाते यानी कि फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल होती है, मतलब कि आप किसी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बैंक पर आधारित होता है कि वो किस कंडीशन को यहाँ पे बेस करते हुए यानी कि आधार बनाते हुए आपकी जो एफडी है यानी कि फिक्स डिपॉजिट है उसे तोड़ सकता है, यानी कि वो प्री मेच्योर फिक्स डिपॉजिट को यहाँ पे यूज़ कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा उस बैंक की अपनी कंडीशंस पर। इसके बाद जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मैंने बताया था आपको यानी कि आवर्ती जमा खाता, तो आवर्ती जमा खाता एक एक इस तरह का खाता है जिसमें इंसान कई बार पैसे जमा करता है लेकिन निकालता एक बार है। वैसे तो अलग अलग बैंकों में जो मिनिमम अमाउंट होता है डिपॉजिट का वो अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर भी आप एक स्मॉल अमाउंट लेके चल सकते हैं, 1,000। जी हाँ, जैसे एफडी में मिनिमम 1,000 का डिपॉजिट करके आप एफडी खोल सकते थे, वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए आप मिनिमम 1,000 से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम है 6 मंथ, और मैक्सिमम पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पर है 10 ईयर्स। जी हाँ, जैसे कि एफडी में मिनिमम 7 डेज था और मैक्सिमम 10 ईयर्स, यहाँ पर है मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम है 10 ईयर्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फिक्स डिपॉजिट के इक्वलेंट ही होता है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता दोनों की ही ब्याज दरें बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। बहुत ध्यान से समझिए ये जो मैंने पॉइंट बोला है, आप इसे कहीं नोट कर सकते हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो सावधि जमा खाता है यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है यानी कि आवर्ती जमा खाता, दोनों की ब्याज दरें इंडिविजुअल बैंक के द्वारा यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जहाँ पर आप बार बार पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन कौन सा होगा यानी कि वो मंथली होगा, डेली होगा या क्वार्टरली होगा, ये डिसाइड किया जाएगा कस्टमर के द्वारा, और वो ही इंस्ट्रक्शन देंगे बैंक को कि किस ड्यूरेशन में वो अपने पैसे को डिपॉजिट करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। इसके अलावा वो चाहे तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से भी पैसे क्रेडिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे अकाउंट के बारे में, जो कि है नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपको कि नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स अकाउंट्स कौन यहाँ पे ओपन कराते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक्सपैत्रियत मिल सकते हैं। ये एक्सपैत्रियत क्या होते हैं वो समझिए, एक ऐसे व्यक्ति जो भारत में नहीं रहते हैं लेकिन भारत के ही हैं जो विदेश में रह रहे हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं एनआरआई, लेकिन यदि ऑप्शन में एनआरआई ना मिला तो आप एक्सपैत्रियत को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा एक्सपैत्रियत, जिसे आप एक्सपैट्रिएट भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक्सपैत्रियत है, तो ये एनआरआई ही होते हैं यानी कि नॉन रेसिडेंट
इंडियन जिनके द्वारा ये अकाउंट ओपन किए जाते हैं। अब ये जो अकाउंट हैं ये कहाँ पर ओपन होते हैं, तो याद रखिएगा ये इंडियन बैंक्स में होते हैं, यानी कि भारतीय बैंकों में ये खाते खुलवाए जाते हैं। और ऐसे लोग खुलवाते हैं जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो हैं तो भारत के लेकिन रह रहे हैं भारत से बाहर। नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स अकाउंट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो ये तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इनका फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, यानी कि FCNR अकाउंट। जी हाँ, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इसके बाद आता है NRE अकाउंट, यानी कि नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। इसके बाद आता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, यानी कि NRO अकाउंट। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका एब्रीविएशन है FCNR। फिर से बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, जो भी चीज़ें अगर मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ मतलब ऑलरेडी उसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो FCNR का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, NRE का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, NRO का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट के बारे में। तो ये जो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ये जो अकाउंट है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, तो एक ऐसा अकाउंट जहां पर सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है और जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी ही एक्सेप्ट की जाती है, उस अकाउंट को या उस खाते को फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट कहा जाता है। अब ऐसी कौन सी करेंसी जो यहाँ एक्सेप्ट की जाएगी वो समझिए। US डॉलर एक्सेप्ट की जा सकती है, यूरो की जा सकती है, पाउंड स्टर्लिंग की जा सकती है, जापानीज येन की जा सकती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो कि अलग होता है वो की जा सकती है, और कैनेडियन डॉलर। तो इस तरह की करेंसी एक्सेप्ट की जा सकती है। अब जो मैंने अभी आपको टर्म डिपॉजिट बताया, मतलब कि एक अवधि जमा खाता होता है, ये टर्म डिपॉजिट ही ये यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा, FCNR में डिमांड डिपॉजिट ओपन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन होता है। अब यहाँ पे यदि मैं टैक्स की बात करूँ तो ये जो अकाउंट की डिपॉजिट्स होंगी वो नॉन टैक्सेबल होंगी। जी हाँ, इंडिया में इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा ये जो अकाउंट होंगे ये फुल्ली रिपैट्रिएबल होंगे। रिपैट्रिएबल का मतलब होता है स्वदेश भेजने योग्य। जी हाँ, याद रखिएगा रिपैट्रिएबल की मीनिंग क्या होगी वो समझिए, स्वदेश भेजने योग्य। तो ऐसा अमाउंट जो स्वदेश भेजा जा सकता है वो कौन कौन सा होगा यहाँ पर, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जी हाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, ये रिपैट्रिएबल होगा। इसके बाद आते हैं नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। तो नाम से ही आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये एक रुपी अकाउंट है, मतलब कि यहाँ पर फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बल्कि यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी इंडियन रुपीज। इसके अलावा जो ये अकाउंट है टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स दोनों में एक्सेप्ट किए जाएंगे। जी हाँ, मतलब कि जो NRE अकाउंट है वो टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों में ओपन हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिपॉजिट्स होंगी ये डिपॉजिट्स नॉन टैक्सेबल होंगी, मतलब इन पर कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और यह अकाउंट भी फुल्ली रिपैट्रिएबल होगा, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट है वो रिपैट्रिएबल होगा, यानी कि स्वदेश भेजने योग्य होगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आते हैं नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। नाम से ही पता चल रहा है किसमें किस करेंसी में ओपन होगा, तो रुपी में। अब इस अकाउंट को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक उदाहरण की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, मान के चलते हम यहाँ पे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो रहता तो इंडिया में था लेकिन अब वह शिफ्ट हो गया है, यानी कि माइग्रेट हो गया है एब्रॉड में, यानी कि अब वो विदेश जा चुका है, लेकिन अभी भी उसकी कुछ प्रॉपर्टी इंडिया में है जिससे उसे अर्निंग हो रही है, मतलब कि उससे उसकी कमाई प्राप्त हो रही है। चाहे वो आप एक उदाहरण के तहत ये ले सकते हैं कि उसका कोई यहाँ पे घर है जिसका रेंट यानी कि जिसका किराया अभी भी उसे प्राप्त होता है, तो वह किराया वह कहाँ किस अकाउंट में प्राप्त करेगा, एब्रॉड वाले अकाउंट में तो प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी कि जो उसका फॉरेन बैंक में अकाउंट है उसमें तो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वो एक इंडियन बैंक से ही अपने अकाउंट को मेंटेन करेगा, तो वो जिस अकाउंट को मेंटेन करेगा उसे हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। जी हाँ, तो एक ऐसा अकाउंट जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है जो रहता तो विदेश में है लेकिन उसे अर्निंग इंडिया से हो रही है, तो ऐसे अकाउंट को हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है ये टर्म डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं और सेविंग डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा उसे अर्निंग इंडिया में हो रही है तो ये एक टैक्सेबल अकाउंट है, मतलब कि उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा।
इसके अलावा इसके अकाउंट की मैं बात करूं तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए ये नॉन रिपेट्रिएबल होगा, जबकि इंटरेस्ट के लिए ये रिपेट्रिएबल होगा। तो ये सारे फैक्ट आप यहां पे याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं इन सभी अकाउंट को एग्जांपल्स के साथ दोबारा यहां पे बता रहा हूं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो भी फैक्ट्स थे वो मैंने यहां पर डिस्कस कर दिए हैं, अब आपको एक एक करके इन्हें समझना है। सबसे पहले बात करते हैं FCNR। FCNR मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो पहले तो इंडिया में रहता था लेकिन अब विदेश में रह के अर्निंग कर रहा है, तो उसे फॉरेन करेंसी गेन हो रही होगी, मतलब कि विदेशी मुद्रा उसे प्राप्त हो रही होगी, और वो अपने परिवार को, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पैसे भेज रहा है। तो जब वो पैसे भेज रहा है भारत में, और भेज रहा है तो फॉरेन करेंसी में भेज रहा है, तो उसे कौन सा अकाउंट ओपन कराना होगा? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जो रह तो रहा है विदेश में लेकिन वो इंडियन रुपी में अपने अकाउंट को ओपन कराता है या इंडियन रुपी में अपने अकाउंट की डिपॉजिट करता है, तो उसे बोलते हैं हम नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। और एक ऐसा व्यक्ति जो रहता तो अब्रॉड में है, यानी कि रहता तो विदेश में है, लेकिन उसकी कुछ अर्निंग हो रही है, यानी कि कुछ कमाई हो रही है भारत से, तो उसके लिए जो अकाउंट ओपन होगा वो होगा नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। सो होपफुली ये सारे अकाउंट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।